मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ राज्यपाल प्रोसिक्यूशन को अनुमति देने के विरोध में आज 27 अगस्त को जिला गोंडा विद्यार्थी संघ बीदर और जिला गोंडा कुरबा समाज बीदर की ओर से बीदर में ब्योम गुंडेश्वर सर्कल से लेकर बसवेश्वर सर्कल, भगत सिंह सर्कल, अम्बेडकर सर्कल से होते हुए डीसी ऑफिस तक विरोध रैली निकाली गई और डीसी कार्यालय पहुंचकर डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर जिला गोंडा विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष संतोष जोड़ापका, जिला गोंडा समाज प्रमुख पंडित राव चिद्री के अलावा अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर पदाधिकारियों ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन पपराज का कवरेज। डीसी ऑफिस के सामने हम लोग जो स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से एक प्रतिभटना रैली हुई, इस रैली के माध्यम से हम राष्ट्रपति को इंटीमेशन देना चाहते हैं। सम्मान्य राष्ट्रपति जी, आपने जो गवर्नर भेजा कर्नाटक को, वो गवर्नर आपके हिसाब से हो या संविधान के हिसाब से हो, काम नहीं कर रहे हैं। वो आदमी एक पार्टी के ग्रिप में आके एक दूसरे के संगठन के वो दिल मर्जी से वो काम कर रहा है, इसलिए हम लोगों को राष्ट्रपति को एक मनवी कर रहे हैं, फौरन जो है इस गवर्नर को यहाँ से हटाया जाए और सिद्धरामैया सबको जस्टिस न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को मालूम है, एक आदमी जिस आदमी का हिन्ना कैरेक्टर कुछ भी नहीं है, जो आदमी सुबह एक एप्लीकेशन देता है सिद्धरामैया के खिलाफ में, हमको परमिशन दो पुलिस केस करने के लिए, जो आदमी सुबह एक एप्लीकेशन देता है गवर्नर को और शाम को गवर्नर उसको परमिशन दे देते हैं एक सिद्धरामैया को जाकर केस करने के लिए, उसी टेबल के ऊपर, उसी गवर्नर के टेबल के ऊपर 2-3 साल से बहुत सारे फाइलों पर पेंडिंग है और वो पेंडिंग किसी आदमी का नहीं है, वो एक लोकायुक्त पुलिस के तरफ से मांगी गई परमिशन है, मगर आज तक उनको परमिशन नहीं दिया गया है। और क्योंकि वो एक सेंट्रल के मिनिस्टर हैं, आज जो HD कुमार स्वामी हैं वो सेंट्रल के मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर लोकायुक्त उनको केस करके उनका परमिशन मांगा है।